कितने एक्साइटेड हैं वनश्री। अच्छा लगा लोगों, जब लोग देख रहे थे तो लोगों के सांसें नहीं बल्कि आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी ये देखते हुए। गाना और आपका किरदार बहुत जबरदस्त है। पहला ओपिनियन क्या है, पहला रिएक्शन क्या है आपका जब आपने ये पर्दे पर देखा और यहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ी बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली फिल्म है और सबसे बड़ा सवाल होता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं आएगा जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो कैरेक्टर कर रही हूँ वो दिल से करूँगी और लोगों को अच्छा लगे, बस यही मेरा इंटेंशन रहता है। और लोगों के चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, बस इतना ही कहना चाहूंगी। किरदार आपका किस प्रकार का है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। इंस्पेक्टर का तो लग रहा है, देख रहे हैं हम लोग, लेकिन दर्शक को नहीं पता है किस प्रकार का किरदार है और कितने एक्साइटेड है उस किरदार को करके आप। एक्चुअली ये एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बचाना चाहती है पेड़ पौधे कटने से। और आजकल के जनरेशन में आप सब लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों की कटाई कितनी ज्यादा होती है। सो इट्स जस्ट अ सिंपल मैसेज कि आप एक फॉरेस्ट को सेव करो, आप एक लाइफ सेव करोगे। और इसका यही एक मोटिव है कि फॉरेस्ट को सेव करें, दैट्स इट। क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को करने की? जी, कैरेक्टर में जाने के लिए मुझे सबसे पहले तो थोड़ी बहुत मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा और किस तरीके से बात की जाती है एज एन ऑफिसर। सो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा था शुरुआत में, बट करो ना भाई, आप बाइट ले रहे हो क्या? बस हो गया, कर लिया मैंने, दिल से किया बस जो। इसके लिए आपको आप जाके कहीं वन में या फॉरेस्ट में जाके रिसर्च भी किया इस तरीके का किरदार करने के लिए? कोई मेरे पापा ही है जो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करते मुझे हर चीज में, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हर जगह पे कि बेटा इस तरीके से ये सीन मतलब हो सकता है। आई मीन उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मुझे कि फॉरेस्ट ऑफिसर का कैरेक्टर कैसे हो सकता है। मैंने अपने आप से इमेजिन करके उस कैरेक्टर में जाने की कोशिश की है और लोगों को फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी होपफुली कि मैंने यही एक है और कुछ नहीं। कुछ बड़े सितारे भी इस आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनके बारे में कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आप उनके साथ काम करके? जरीना वहाब जी हैं और अली खान जी हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा सीनियर आर्टिस्ट है और बहुत बड़े एक्टर्स है, इनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, ये मेरी खुशनसीबी है। और बहुत सारी चीजें हैं वो मतलब जब सेट पे हम लोग रहते थे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, ऐसा लगता नहीं था कि बहुत सीनियर मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे या ऐसा कुछ, बट बहुत सपोर्टिव है सारे आर्टिस्ट। तो आप कितना एक्टिव रहती थी क्योंकि पापा प्रोड्यूसर है तो आपको पैसा बचाना भी था, एक्टिंग भी करना था, कितने एक्टिव रहती थी और क्या कुछ कहना चाहेंगे पापा के बारे में? आपके लिए फिल्म बनाई उन्होंने, सबसे बड़ा पहला डर ये था कि मतलब पापा मेरे प्रोड्यूसर है तो फिल्म अच्छी बने क्योंकि पहली फिल्म है, और मेरे ऊपर भी मेरे शोल्डर पे भी जिम्मेदारी थी कि मैं इस फिल्म को या कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाऊं। और बस और क्या कहूंगी मैं, गाने को लेकर बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, लोकेशन भी है और आप दोनों हीरो हीरोइन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा वो गानों का? गानों का लोकेशन तो बहुत प्यारा है और मैंने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से निभाऊं। और बहुत कम बोल पा रही है बोलिए, आज आपका दिन है, बोलिए जो भी बोलना है। केमिस्ट्री कैसी रही आपका और हीरो का? हमारी पहले से ही फ्रेंडशिप है सो इतना कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है हम लोगों को साथ में सीन्स देने में या फिल्म शूट करने में। सो बस तो पापा रहते थे साथ में तो वो अनकंफर्टेबल फील करती थी उस दृश्य को? वाज़न्ट देयर ना, वो वहाँ पे थे ही नहीं सो इतनी दिक्कत नहीं है मतलब गाना शूट करने में आई गेस। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से ये वनश्री के बारे में? देखें लोग, पार्ट बने इसका, क्यों पार्ट बने इस फिल्म का लोग दर्शक? मैं चाहूंगी कि ये बहुत यूनिक और डिफरेंट फिल्म की कहानी है एंड आई थिंक मतलब फॉरेस्ट के ऊपर ऐसी कोई फिल्म अभी तक बनी नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी और मैं चाहूंगी कि एक लोगों तक ऐसा मैसेज पहुंचे कि मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए और इस फिल्म को प्यार दे। बस एक दुआएं देने के तौर पे इसमें काम किया है और एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। मैं समझता हूँ कि हम भी बड़े ज़माने से इस इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म लोगों ने कभी रिस्क नहीं लिया कि हम वन विभाग पे फिल्म बनाए
तो मैं तुकाराम जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, सुरेश जी को, कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया और MLA माशाल्लाह एक्सलेंट जॉब किया इन्होंने। बहुत आपने देखा ही सारे गाने सीन्स वगैरह जो भी हैं, और मेरा कैरेक्टर तो जो मैं शुरू से करता रहा हूँ वैसा ही है, नेगेटिव रोल है मेरा। और मेरी कोशिश होती है कि जितना जो है सो जंगलों में लकड़ियाँ कटे और मैं तस्करी करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाऊँ, तो वो करेक्टर है मेरा। रोल तो फिल्मों में ज़रूर मैं खतरनाक करता हूँ, इंसान अच्छा उसकी 100% गारंटी है, किरदार ऐसा मिलता है। लेकिन ये है कि आप सब लोग मीडिया, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फिल्म के बारे में ज़रूर कुछ छापें लिखें। एक बहुत अच्छी कोशिश है इन लोगों की, और ये फिल्म मैं दावे से कहता हूँ कि जब लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे तो उनको पसंद आएगी। जब आपके पास ये फिल्म के बारे में कॉन्सेप्ट आया था तो क्या आपके मन में था और आपने हाँ बोला? नहीं, मुझे सडनली सरोज जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, दोस्त हमारे, इनका कॉल आया कि अली भाई आप जैसे लोग अगर एक न्यू कमर्स के साथ, जरीना जी हैं, आप हैं, ऐसे लोग आएंगे तो इनको एक एक फिल्म को भी एक मदद मिलेगी, कलाकारों को भी एक हेल्प होगा, तो आप ज़रूर इसमें गेस्ट के रोल पर काम कीजिए। और मैं तैयार हो गया, हालांकि लोकेशन इसका बहुत दूर था, भिवंडी के एक बहुत आलीशान स्टूडियो, वहाँ पे पूरी रात हम सब ने शूटिंग की और एक अच्छा काम हो गया। तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए, इस पूरी टीम के लिए, इस कलाकारों के लिए, और ख़ास करके ये हीरोइन के लिए। हमारा हीरो समीर आज यहाँ पे आ नहीं पाया, लेकिन दोनों ने माशाल्लाह कमाल का काम किया। सर आपने इसमें विलन का काम किया, पर देखने में तो फिल्म में लग रहे थे शरीफ आदमी। नहीं, वो हमारे लोग विलन का काम कर रहे थे। एक जो बड़ा विलन जो होता है वो अपनी शराफत दिखाता है, बाकी जो उनके लोग हैं इर्द गिर्द वाले वो अपना काम करते रहते हैं। अच्छा जी भाई, फॉरेस्ट को लेकर जिस तरह की कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत कम फिल्में बनी है और उसी पर बनी हुई है पुष्पा, तो कितना इंस्पायर करती है आपको और क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से? वाह, देखिए ये आजकल ऐसी फिल्में बननी चाहिए, चूंकि मैं देखता हूँ अक्सर जो पेड़ लोग काटते हैं, पेड़ लगाते नहीं बल्कि पेड़ों को काटते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ऑल ओवर कंट्री से, अपने देश के, खास करके देशवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ को प्रोटेक्ट करें, उसका ख्याल रखें, क्योंकि हमको सही ऑक्सीजन, अब हम जैसे लोग जब हम लोग गाँव में जाते हैं अपने अपने, तो ऐसा लगता है कि एक हफ्ता रहते हैं तो लगता है पूरे साल भर का ऑक्सीजन लेके मुंबई में आए। तो पेड़ों का ख्याल रखिए और ये ऐसी फिल्में बननी चाहिए, एक मैसेज आता है अपने देश के लिए। थैंक यू सर। आइए डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब, आइए हीरोइन को बीच में रखिए। चलिए तुकाराम जी तैयार है सवालों के बौछार झेलने के लिए? जी सर। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सोच के बनाया वनश्री? थोड़ा सा क्लोज आ जाइए तीनों जन। हाँ, क्या दिमाग में चल रहा था वनश्री बनाने का, वजह क्या रहा? जब मैं डिपार्टमेंट में सर्विस को लगा तब से एक मेरी तमन्ना थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ करूं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी फिल्में निकल चुकी हैं, ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को फोकस कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट इतना बढ़िया ये इम्पोर्टेंट इश्यू है लेकिन उसको कम नज़रिया से देखा जाता है। मैं इस फिल्म के दौरान पेड़ लगाना, पेड़ बचाना, अगर पेड़ है तो बारिश है, बारिश है तो खेतों में अनाज उपजेगा, फिर अगर अनाज ही नहीं उपजेगा तो अकाल पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि सभी ने, हर एक आदमी ने पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ को बचाना चाहिए। दूसरी बात, मैं लेडीज़ को इम्पावरमेंट करना चाहता हूँ। लेडीज़ आजकल जैसे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को सपोर्ट करते थे और उनको पढ़ाई के लिए सपोर्ट देते थे, तो इसलिए मैं भी ये लेडीज़ के लिए इम्पावरमेंट बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे दो मकसद इसके अंदर ये, एक तो पेड़ लगाना, पेड़ बचाना, दूसरे लेडीज़ को इम्पावरमेंट करना। सुरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, जब इस तरीके का प्रपोजल आपके पास आया और आपने क्या रिएक्शन रहा आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कहानी को लेकर? जब मेरे पास ये प्रपोजल आया तो 2 साल पहले हम लोग कुछ कर रहे थे, तो मैंने इनके साथ एक वीडियो किया था, तो उस एल्बम वीडियो किया था, तो सर मुझे बोले कि सुरेश जी आपके साथ एक कुछ सब्जेक्ट करना है। मैंने कहा चलिए ठीक है सर, देखते हैं। और जो सब्जेक्ट इन्होंने मुझे दिया वो उस तरह के, मैं काफ़ी सब्जेक्ट ऑलरेडी करता था जब स्कूल कॉलेज के शोज़ में,
तो वो कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई मेरे लिए जब इन्होंने मुझे ऑफर सुनाया कि भाई ये स्टोरी लाइन है, तो मैंने कहा ठीक है। अब जब कहानी लिखी गई, पढ़ते गए, तो हम सब कुछ कहते हैं ठीक है, मैसेज तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग क्यों जाएंगे देखने, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल उसी तरह फिल्म बना देते तो एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती। तो मुझे ये आइडिया आया कि भाई इसमें कुछ किरदार डाले जाएं ताकि एक उस तरह का एनवायरनमेंट बने, एंटरटेनमेंट बने कि लोग अपने फैमिली के साथ देखें। तो गाना भी इस तरह और फिल्म को भी उस तरह सजाना, थोड़ा जॉब बढ़ा हमारा। मगर जब इनसे मैं मिला, जब इनकी बातें अच्छी तरह मैंने खूब सुनी, तो इनकी इच्छाएं मैंने सुनी पहले कि भाई क्या चाहते हैं। मगर अच्छा लगा मुझे कि भाई ये एक उस एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं कि जैसे पुष्पा स्पाइन, पुष्पा इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट इनका क्या था कि ये उसको डिस्ट्रॉय नहीं करके सेव करना चाहते। डिस्ट्रक्शन में तो अपना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, बट मैं ये चाहता था कि ये सब्जेक्ट जब जाए ऑडियंस के सामने तो पूरी फैमिली बैठ के देखे। कोई उसमें जरूरी नहीं कि आप बहुत हॉट फिल्म बनाएं या किसिंग सीन डालें, कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छा सब्जेक्ट बनाइए, जरूर लोग देखेंगे। तो मेरा एक अपना थॉट था कॉलेज से और स्कूल से, तो वो बिल्कुल दिमाग में शार्प मेरा क्लियर था। तो फिर हमने जब ये गाना जब शुरू किया तो एमी के साथ, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो बिहाइंड द स्क्रीन है, तो वो हम लोग उसको नहीं चाहते, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जिस कंडीशन में सर ने काम किया है मुझे पता है, और मैं उसलिए उस चीज़ से आज मैं इनको कहता हूँ कि ये वाकई में अगर इंसान इनके जो मुंह पे है, दिल में है, वही मुंह पे है, जबान पर है, तो वो अच्छा लगा और ये फिल्म यहाँ तक पहुँची आगे। ओके तुकाराम जी, क्या कुछ ऐसा वाक्या हुआ बन के नौकरी के दौरान, सर्विस के दौरान, जो आपके दिल में घाव कर गया था और आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि फिल्म बनाएंगे? बिकॉज इसको, जैसे डायरेक्टर साहब ने आपके कहा कि इसको शॉर्ट फिल्म भी बना के एक आप मैसेज दे सकते थे, लेकिन आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि फिल्म बनाया इसके ऊपर, तो क्या ऐसा कुछ घाव था आपके दिल में सर्विस के दौरान जो आप बताना चाह रहे थे? तो एक्चुअली मेरी एक तमन्ना थी, घाव भी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पहले से माइंड में ये कर रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट में आने के बाद, जैसे मराठी में एक कहावत है, ज्यांची खावी पोळी त्यांची वाजवावी टाळी, ज्यांचं खावं मीठ त्यांचं काम करावं नीट, ह्या उक्तीप्रमाणे मी डिपार्टमेंटचे कुठं तर आपण आपले माझ्या मला डिपार्टमेंटनं जे सांभाळलं, माझी मुलं त्याच्या ह्याच्यापासून मी शिकले सवरले, त्या डिपार्टमेंटची गद्दारी करायचं नाही आणि त्या डिपार्टमेंटला कसं मोटिवेट करता येईल हे मी दाखवलेलं आहे। आणि विशेष करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय, तर अवश्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमधील सर्व सामाजिक वनीकरण असो, FDCM असो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असो, सर्वांनी हा पिक्चर जरूर पाहायला पाहिजे, कारण त्यात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे हे त्या ठिकाणी मी नमूद केलेलं आहे। हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचं झाडाचं रक्षण करणं एवढंच नाही, आपलं सुद्धा सर्वांचं कर्तव्य आहे, सर्वांनी झाडं लावलं पाहिजे, झाडं वाचवलं पाहिजे, ही माझा मोटिव। बीरप्पन को ध्यान में रख के बनाया गया ये फिल्म, बीरप्पन था जो झाड़ को बहुत काटता था, स्मगलर था वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर। ओके, उसके अंदर एक रहते कुछ ये कटिंग करने, पेड़ कटिंग करने वाले रहते है, ये कैसा हमने बीरप्पन का इसका कुछ ये नहीं, ये जैसे रहते है कुछ लोग फॉरेस्ट के ऊपर कमाई करने वाले, वो बंद करने के लिए हम सब ये कर रहे थे। कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे इस तरीके का काम होता है, कुछ आइडिया होगा आपको सर्विस के दौरान आपके नजर में आया होगा? एक्चुअली सर ये फील्ड का तो नॉलेज मुझे नहीं, क्योंकि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में PCCF ऑफिस बोलिए, ये महाराष्ट्र का हेड ऑफिस था, वहाँ पर था मैं, एक्चुअली मुझे फील्ड का इतना नॉलेज नहीं। ओके, कहाँ पर कटिंग हो रही है, मैं फील्ड में जाता नहीं था, लेकिन एक मेरा इच्छा थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ करो, लोग कनेक्ट करेंगे, ये विश्वास था आपको इस फिल्म को? अभी कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे ये मुझे तो कुछ आइडिया नहीं सर, लेकिन मेरा विश्वास रिस्क ले लिया है आपने। मैंने रिस्क ले लिया और मैंने ये करने का जो मेरा सपना था वो करके दिखाया, बाकी ऑडियंस के ऊपर है, सब ऑडियंस के हाथ में सब कुछ बाकी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कोई स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे? रखेंगे, क्या तैयारियां है, किस तरह से रखेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, उनके ऑफिसर्स को भी ऐसा थोड़ा सा कुछ
फॉरेस्ट के ऊपर हम बताना चाहते हैं, फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे अभी तक जुड़े नहीं हैं। अच्छा, ये आप खुद भी जो है फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ इसमें आपने इन्वॉल्व की है इस फिल्म के अंदर जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं किया, अपने सब हट के अलग से, ना किसी की कॉपी है, या अपने दिल से जो है, अपने दिल में कैसा मोटिवेट उसको फॉरेस्ट को करना है। वहाँ पर लोग इतने जंगल में जाते हैं, शेरों की हाथियों के सामना करते हैं, इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं, लेकिन उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। जो फील्ड में काम करते हैं उनको ये मोटिवेशन करना चाहिए, उनको क्या क्या तकलीफें होती है ये ऑफिस में बैठने से कुछ नहीं पता चलता। ये बहुत बड़ी यहाँ पर वो रिस्क लेके काम करते हैं। चलिए, एमी को कास्ट करने का कुछ खास वजह? डॉक्टर करने का वजह ये है कि सर वो भी फिल्म में आना चाहती थी। अच्छा। और मुझे भी पहले से शौक था आने का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जुड़ हो गया। ऐसा तो नहीं है घर का पैसा घर में ही रहेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा। हाँ हाँ, एमी कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रही थी कि मतलब पापा के दिमाग में ये था कि फिल्म तो बनानी है, बट उनको पता था कि मेरी बेटी कर सकती है, इस बेसिस पे उन्होंने मुझे कास्ट किया, दैट्स इट। और मैं ये नहीं कि बाबा चलो ठीक है बनाना है फिल्म, बट उनको पता था कि मेरी बेटी कर सकती है। ओके, सूरज जी आप कुछ ऐड करेंगे एमी के बारे में, कास्टिंग के बारे में? मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो रोल रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का किया है, एक्चुअल क्योंकि मैं रह चुका हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ऑफिसर्स कैसे बात करते हैं, उनका चलने का स्टाइल क्या होता है, वो गुनेगारों को कैसे ये सबक सिखाते, उसने बिल्कुल ये किया सब बिल्कुल। अच्छा, फील्ड के दौरान, शूट के दौरान आपने गाइड किया या आपने कभी डाटा किया, अरे ये क्या कर रही हो, ऐसा नहीं ऐसा करना है? सर ये डांटने का काम मेरा नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टर जाने हो जाने, मैं अलग से बाजू में रहता था। सूरज जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे एमी के किरदार के बारे में, कैसे कास्ट किया गया, कैसे सोचे उसके बारे में, और कितना उन्होंने उस पे खरा उतरे अपने किरदार को लेकर? देखिए, जब मैंने इनको कास्ट तो हमने फाइनल कर ही लिया था पहले ही कि भाई इसे करवाना है, बट बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो अब हमारे लिए था कि जो करेक्टर है फिल्म में वो इतना स्ट्रांग कैसे दिखे, तो हमने इसके तीन डिफरेंट अलग अलग एंगल लिए। एक वो पहले कॉलेज से वो बहुत सिंपल सी लड़की है, उसके बाद वो दूसरे उसमें जाती है तो गांव में चेंज होता है उसमें, और जब वो बिल्कुल लास्ट अपने करेक्टर में आती है तो वो जो करेक्टर था उसके लिए इसको हम कई बार डांटते थे, जोर जोर से मुझे बोलना पड़ता था कि उसमें घुसो उस करेक्टर में। तो अब जब शूट कर रहे थे तो शूट करते वक्त एक शॉट था फाइट का, आपने इसमें यहाँ देखा भी है कि ये किक मारती है और उसके बाद ये गिर पड़ती है, वो खींच लेता है, तो मैंने कहा ये हम एक आर्टिफिशियल नहीं दिखाएंगे, आपको सच में गिरना है एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर। तो वो इसमें पहले दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बस सेकेंड डे से इसने पिकअप करना शुरू किया और लास्ट आते आते तक तो ये पूरे अपने रंग में थी। तो कल हम सब ने कहीं आकर उसमें एक्शन सीन तो नहीं बताया कि ऐसा करो, ये कहीं अलग जा रहा है? नहीं सर, मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता हूं, वो एक्चुअल में क्या है, खाली पेटी लेके आते थे, दे देते थे, इनका काम था बस सिर्फ करेक्टर मुझे दे दिया और टीम मुझे दे दी, बाकी मुझे क्या करना है, किसको मारना है, किसको पीटना है, किससे प्यार से बात करनी है, वो सारा जॉब मेरा था। गाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितने गाने हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए जी, इस पूरी इस फिल्म में तीन गाने हैं, एक है टाइटल सॉन्ग जो आपने लास्ट में बिल्कुल देखा, और उससे पहले दो, एक रोमांटिक है और एक आइटम नंबर है। जैसे कि अली खान का भी था कि वो यहाँ पर बहुत छोटा सा दिखा आपको, फिल्म देखेंगे तो नेचुरल उसमें बहुत अलग करेक्टर है उनका, और ऐसे ही जरीना जी का। तो गानों को भी हमने इस तरह पुरोया जहाँ जरूरत थी स्टोरी मतलब कहानी के हिसाब से, ये नहीं कि जबरदस्ती कहीं भी उठा के कोई गाना बना के लगा दिएगा। मगर सबसे बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो गाने हैं अभी आपने एक बार सुना है, इसको आप जब आएगा तो आप सुनिएगा, गाने के हर बोल और हर लिरिक्स पूरा रिलेटेड है फॉरेस्ट से, इसमें कोई भी अलग उसमें नहीं है, कहीं तीनों गाने बिल्कुल उससे रिलेटेड है, और हम इसी चीज़ को पकड़ के चले थे कि जब मैसेज जा रहा है तो गाने भी वैसे ही जाएं। तो ये हमारा सबसे बड़ा एम था। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।
आइए, खुशी हो रही है गाने को देखकर, और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर वनश्री? और जब सबसे पहले आपको ये गाना सुनाया गया तो आपका क्या रिएक्शन था कि वनश्री क्या होता है और क्या फिल्म होती है? आसानी से आप समझ गए या गाने अच्छे थे इसलिए आपने उसके उसके पार्ट बने? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं एंड द मीडिया, एंड थैंक्स टू द अलमाइटी गॉड. वेल, अबाउट द सॉन्ग एंड अबाउट द मूवी, जैसा कि हमने अपनी ट्रेलर में देखा, हाउसफुल तो अभी था ही, उससे भी ज़्यादा लोग थे, उससे ही पता चलता है कि क्या मूवी है. ऑब्वियसली अमेजिंग मूवी बनाई है पूरी शिद्दत और पूरे दिल के साथ, दिल से, एंड विदाउट म्यूजिक इट विल बी इनकम्प्लीट. अगेन से तो म्यूजिक और लिरिक्स जो लक्ष्मी नारायण जी ने दिया है वो काबिले तारीफ, और बहुत ही अच्छे गाने हैं. काबिला जी का गाना बहुत अच्छा है, नक्काजी जी और काबिला जी. एंड उसी के साथ साथ भगवान ने मुझे भी शायद ये मौका दिया कि मैं इस फिल्म में कुछ निभा सकूं, तो मैं उसकी कुछ लाइन आपको जरूर. हाँ जी, जंगल की है ये शेरनी, सबसे बड़ी है शिकारी. जंगल की है ये शेरनी, सबसे बड़ी ये शिकारी. अब मैं चाहूंगी आप भी साथ में गाएं टाइटल. जय हो तेरी हिंद नारी, वनश्री का रुतबा लय भारी. जय हो तेरी हिंद नारी, वनश्री का रुतबा लय भारी. दिस इज टाइटल सॉन्ग ऑफ वनश्री मूवी. ओके, एंड आपने जैसे कहा कि ये मौका कैसे मिला, तो मैंने वो भी बताया कि वहाँ से शायद ऑफर हुआ. थैंक यू. जी जी, पमेला जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि मैं शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी कि फिल्म इतनी अच्छी लगेगी, बिकॉज मतलब एक आइडिया जब लगा, जब स्क्रीन होना चालू किया, देन आई फेल्ट कि इट्स रियली अ वेरी वंडरफुल मूवी. एंड सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ फॉर अ सोशल कॉज. सो जो हम पेड़ पौधों के लिए, जो उनके मतलब वी शुड नॉट कट ट्रीज, एंड सोशल मैसेज के ऊपर है. सो रियली इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, और बहुत अच्छे से निभाया है. आई थिंक अच्छे से इस पे काफ़ी मतलब दे हैव स्पेंट वेरी वेल ऑन द एवरी सॉन्ग, और बहुत अच्छे गाने और बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं लक्ष्मी नारायण जी ने, जिन्होंने ये मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, और जब इन्होंने बुलाया तो व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. नकाश ने भी बहुत अच्छा गाया. सो आई थिंक दिस मूवी इज गोइंग टू रॉक, लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आजकल लोग स्क्रिप्ट, देखिए बहुत बड़े बड़े भी स्टार्स होने के बावजूद भी अगर स्टोरी में दम नहीं है तो वो फिल्म हिट नहीं हो रही है. सो इफ द मूवी हैज़ कंटेंट, अगर मूवी में दम है तो अगर छोटे भी थोड़े स्टार्स हैं, द स्टोरी इज पावरफुल, इट विल बी हिट. और द ऑडियंस वांट द डिफरेंट टॉपिक, गुड कंटेंट, गुड मूवी. सो आई थिंक आई विश ये मूवी बहुत अच्छी करे, ताकि और ऐसे लोग आगे आए जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाना चाहते हैं. लक्ष्मी जी गाने बहुत इंजॉय कर रहे थे, वाकई में खूबसूरत दोनों तीनों गाने जो है वो बड़े अच्छे बने हैं. आप कुछ एक्सपर्ट एक्सा ये एफर्ट डाला था या कैसे ये सब तैयार हुआ गाना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो फिल्म आई थी जब, कि इस टाइप का कुछ कंसेप्ट है वनश्री, तो वनश्री जैसे भी डायरेक्टर साहब ने बताया कि शॉर्ट फिल्म के हिसाब से आनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसको जब वर्कआउट करते गए तो ये फीचर फिल्म बन गई, और आने वाले दिनों में ये पूरे भारत में, विश्व में फैलेगी. ये सब परमात्मा की दुआई, आप सब भैया की ब्लेसिंग है. तो इसके पर फिर करते 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 हमने वर्कआउट शुरू किया, और इसमें कई कई एक सिचुएशन ऐसी निकलनी है कि एक टाइटल सॉन्ग होना चाहिए, एक रोमांटिक होना चाहिए, करेक्टर को लेकर बीच में कहीं हेड नहीं करना है कि नहीं कुछ भी डाल दीजिए. तो आप देखेंगे अगर आइटम सॉन्ग भी आप सुनोगे ना, तो उसमें अगर गौर से आप सुनोगे तो सर आपको उसमें मैसेजेस है, काफ़ी मैसेजेस है सॉन्ग के अंदर ही. और एक हमारा रोमांटिक सॉन्ग है जिसके जिसको मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, जो हमारी नकाश भाई तो चले गए लेकिन पमेला जी साथ में हमारे. तेरे नैना मेरे नैना दोनों के जब मिल गए नैना हो, तेरे नैना मेरे नैना दोनों के जब मिल गए नैना गौर से जब हमने देखा, गौर से जब हमने देखा, तू लगी हाथों की रेखा, तेरे सिम नहीं कोई जचना जचना.
तेरे नैना मेरे नैना दोनों के जब मिल नैना थैंक यू सर। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? जी बड़ा ही खूबसूरत लगा आपका गाना देख के और बड़ा एंजॉय कर रहे थे लोग। आप कितने एक्साइटेड हैं लोगों को देख के? यहाँ पे भी लोग सीटियां बजा रहे थे, उसमें भी लोग एंजॉय कर रहे थे, गाने में भी आइटम नंबर। हाँ आप कितना एंजॉय किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? और मैंने जब डांस किया था मैं खुद ही एंजॉय कर रही थी। ये पहली फिल्म आपकी, डांस सीखा है आपने या क्या? हाँ मैं क्लासिकल डांस सीखी हूँ, भरतनाट्यम। अच्छा ये जब ये सॉन्ग आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था? पहले तो ऑडिशन हुआ था, मुझे नहीं पता था मैं सिलेक्शन हुआ, फिर शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कैसे, ये गाना आपके पास कैसे आया? ऑडिशन इससे पहले भी आपने किया है कुछ? हाँ, मैंने साउथ मूवी। कहाँ पर ऑडिशन हुआ था आपका? लंदन। मैम सॉरी मैम, आपको अगर मुन्नी बदनाम जैसी एल्बम बनाया जाए तो क्या किस तरह का रोल करेंगे? किस तरह का रोल? मुन्नी भी बता दिया, रीजन का आप दिया सर, होता क्या मुन्नी बदनाम वो सॉन्ग था ना? हाँ हाँ वही सॉन्ग। ऐसा मतलब आपको मिला तो, ऐसा आइटम नंबर मिला तो करेंगे आप? बस खुश। इसके अलावा भी कुछ कर रहे हो? थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। नमस्कार। एक मिनट हो मैडम, थांबा जरा दोन मिनट, इथे काम चालू आहे, दोन मिनट। होल्ड हा, होल्ड प्लीज होल्ड। ओके डन डन, चला हा क्या किया है इसमें? मैं दादी हूँ, 20 साल से लाइन में हूँ, और ये जो पिक्चर है वनश्री, वो नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है कि चलो बहुत साल बाद अपने नेचुरल के ऊपर, कुदरत के ऊपर फिल्म बनी है। और ये फिल्म जो भावुक है, जो पहले यहाँ के जमाने में हम पिक्चर देखते देखते रो पड़ते थे, ये पिक्चर भी जो भावुक है वो बार बार देखेंगे। और एकदम वक्त पे ये रिलीज हो रही है, इसके जो गाने एकदम सुपर हिट है, और यही गाने पे मैं खुद नवरात्रि में डांडिया रास खेलेंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है दादी, सुपर सुपर, थैंक यू। सब